सत श्री अकाल जी सारिया नूं। मैं टू पंजाब एयर स्कॉट एन सी सी अमृतसर बतौर जूनियर सहायक हीरा सिंह सेवा निभा रहा, तो मेरे नाल सरदार हरचंद सिंह लास्कर जो बतौर लास्कर सेवा निभा रहे हैं। साढ़े इस दफ्तर के काफ़ी समय तो ही सी ओ साहब सानू तंग परेशान कर रहे ने। इन्होंने सब तो पहला तो जिहड़ा सामने उपर बोर्ड लगा हुआ वा श्री गुरु अपने हरिमंदर साहब जी का जिहड़ा बोर्ड है, इन्होंने बच्चों के गैटा के पैरों थले लगा रखिया। यह मुद्दा इस दफ्तर में चुकया गया कि जिहड़ा ये बोर्ड के फोटो लगी आ, ये बोर्ड विचों फोटो हटा दी जाए तो जां ये फोटो उपर करके लाई जाए। इस दे उपर भी सी ओ साहब ने सानू काफ़ी बार झिड़किया। इस तों इलावा इन्होंने जिहड़ा लास्कर कर्मचारी ने उन्हां कोलों नाइट ड्यूटी ली गई, नाइट ड्यूटी तो उन्होंने ऑफिस ऑर्डर कढ़े जिहदे सबूत सारे साडे कोल ने, ते उन्हां दी चंडीगढ़ ड्यूटी लगाई गई। चंडीगढ़ की जिहड़ी ड्यूटी आ डाक देण दी, ओह इन्हां दी नहीं बनदी। मैनू इस बारे सी ओ ने बुला के अंदर पुछया, तो मैं सी ओ साहब नूं कहा कि सर जिहड़ी ये ड्यूटी आ ये लास्कर कर्मचारी दी नहीं बनदी आ, पर इन्होंने फिर भी ऑफिस ऑर्डर कढ़ के इन्हों काफ़ी हरासमेंट करने की कोशिश की, तो हरासमेंट करते रहे। मेरा इन्ना कहने के बावजूद इन्होंने मैंने कहा कि तू इन्हों की मदद करदा वा, जे इन्हों का नुकसान करूँ कि मैं नाल तेरा भी नुकसान करूँगा। तो सानू मैनू बिना कोई वार्निंग लैटर दिते, बिना कोई शो कोज नोटिस दिते, डी पी आई हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सर डॉक्टर अमरपाल सिंह आई एस, एडिशनल डायरैक्टर एन सी सी सरदार करशन सिंह बराड़, तो ग्रुप कमांडर रोहित कुमार एन सी सी ग्रुप हेडकुआटर अमृतसर, तो कमांडिंग ऑफिसर टू पंजाब एयर स्कॉटन मनोज कुमार वत्स ने आपस में मिल के तो जो कि साढ़े नाल धक्का किया वा, तो सानू सस्पेंड किया। जदों किसी नूं आपां फांसी देने तो वो कोलों भी वो आखिरी जी इच्छा वा पुछी जाती है, पर साडे कोलों कुछ नहीं पुछा गया। एक तरफा फैसला करके सानू हरासमेंट किया जा रहा वा। तुहानू पता वा कि असी पहला ही 84 दे दौर तो विचों माड़े दौर चो गुजरे हुए हैं। मेरा सारा परिवार जो अतवादियों मार दिता सी, तो मैं उस तो बाद मैं कला बच्चा बचा एक जिन्हें कि अपने फैमिली की देखभाल कर रहा। तुसीं मैनूं दसो कि सस्पेंड होने के बाद मैं अपने घर का गुजारा या खर्चा कितों चलाना वा, मेरा तो कोई होर है भी नहीं, मैं कला बचा उस अतवाद के माहौल के, मैं पहले ही बड़ी टेंशन के रहना वा। तो उस तो बाद इन्होंने मैनूं आ सस्पेंड करवा के उस ज़्यादा होर टेंशन देती आ। अगर तो तुसीं आप जानते हो कि अगर आप किसी फंसद ऑर्डर भी कोई जज सुना वा तो वो कोई आखिरी इच्छा जरूर पुछता, पर मेरे को कुछ नहीं पूछा गया। अगर मेरे नाल कोई हैपनिंग होंगी आ जां मेरे नाल कोई घटना वापरती आ तो ये जिम्मेवार ये चारे इंसान होणगे। धन्यवाद जी सारिआं दा।